न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आई देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक बार डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अंतिम पायदान पर खत्म मुंबई का अभियान, श्रेयस ने कोलकाता की बदली तकदीर, रोहित और पांड्या की छुट्टी करे सहवाग। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अंतिम पायदान पर खत्म मुंबई का अभियान, निकोलस पूरन और कप्तान लोकेश राहुल की अर्धशतकीय पारियों और दोनों के बीच 44 गेंदों में 109 रन की साझेदारी के दम पर लखनऊ ने IPL मैच में शुक्रवार को यहां मुंबई को 18 रन से हराया। लखनऊ ने 6 विकेट पर 214 रन बनाने के बाद रोहित शर्मा और नमन धीर की अर्धशतकीय पारियों के बाद भी मुंबई को 6 विकेट पर 196 पर रोक दिया। इस हार के साथ मुंबई की टीम 14 मैचों में सिर्फ 4 जीत के साथ आखिरी पायदान पर रही। लखनऊ का अभियान 14 मैचों में 7 जीत के साथ खत्म हुआ। टीम तालिका में 6 पायदान पर है। T20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम के दृष्टिकोण से रोहित का लय में आना अच्छी खबर है। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 3 छक्के जड़ने के साथ पहले विकेट के लिए डिवॉल्ड ब्रेविस के साथ 88 रन की साझेदारी कर मुंबई को अच्छी शुरुआत दिलाई। आखिरी ओवरों में नमन ने अपनी पारी में 4 चौके और 5 छक्के लगाए और 6 विकेट के लिए ईशान किशन के साथ 32 गेंदों में 68 रन की साझेदारी कर मुंबई की उम्मीदें जगा दी थी, लेकिन उन्हें दूसरी छोर से अच्छा साथ नहीं मिला। पूरन ने अपनी पारी में 5 चौके और 8 छक्के जड़े, तो वहीं राहुल ने 3 चौके और इतने ही छक्के लगाए, जिससे लखनऊ 10वें ओवर में 69 रन तीसरा विकेट गंवाने के बावजूद बड़ा स्कोर करने में सफल रही। आखिरी ओवरों में आयुष बड़ोनी और कृणाल पंड्या ने 7वें विकेट के लिए 17 गेंदों में 36 रन की अटूट साझेदारी कर मुंबई की मुश्किलें बढ़ा दी। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। श्रेयस ने कोलकाता की बदली तकदीर, गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में खेल रही कोलकाता टीम ने IPL के मौजूदा सीजन में यादगार प्रदर्शन किया। शानदार प्रदर्शन के दम पर लगातार जीत के साथ कोलकाता प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी। यह पहला मौका है जब कोलकाता ने अंक तालिका में शीर्ष पर रहकर IPL प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। चूंकि श्रेयस अय्यर टीम के कप्तान है, लिहाजा टीम की यह उपलब्धि का सेहरा भी उनके सिर बंधेगा। 2012 और 2014 में कोलकाता की टीम ने गौतम गंभीर के नेतृत्व में IPL का खिताब जीता था, लेकिन उस समय टीम लीग चरण में अंक तालिका में दूसरे स्थान पर थी। इसके अलावा कोलकाता के लिए कारनामा दिग्गज सौरव गांगुली भी नहीं कर सके। इस तरह गंभीर और गांगुली जैसे दिग्गजों को पछाड़ते हुए श्रेयस कोलकाता टीम के सफल कप्तान बन गए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। रोहित और पंड्या की छुट्टी करे सहवाग, दो टूक बयानों के लिए मशहूर भारतीय टीम के पूर्व धांसू सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि IPL के जारी सत्र में मुंबई के खराब प्रदर्शन के बाद कप्तान हार्दिक पंड्या तथा अनुभवी रोहित शर्मा को टीम से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। मुंबई की टीम प्लेऑफ के दौर से पहले ही बाहर हो चुकी है। इस सत्र में ना तो रोहित शर्मा अपनी प्रतिष्ठा और अपेक्षा के अनुरूप बल्लेबाजी कर सके और ना ही हार्दिक पंड्या। सहवाग ने बॉलीवुड का उदाहरण देते हुए कहा, 3 सुपरस्टार शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान यदि एक साथ किसी फिल्म में अभिनय किया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि फिल्म हिट होगी। फिल्म हिट होने के लिए कहानी भी दमदार चाहिए। पूर्व बल्लेबाज ने कहा, किसी भी टीम की कामयाबी खिलाड़ियों के एकजुट प्रयास का फल होता है। मुंबई की कामयाबी के लिए पूरी टीम को प्रयास करना होगा। सहवाग ने कहा कि रोहित शर्मा ने एक मुकाबले में शतक जमाया, लेकिन अन्य मुकाबलों में वह विफल रहे। उन्होंने कहा, ईशान किशन पूरे सत्र में खेले, लेकिन पावर प्लेऑफ के बाद वह टिक नहीं सके। उन्होंने कहा कि मुंबई अगले साल के सत्र में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ मध्यक्रम के तूफानी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को रिटर्न कर सकती है। सहवाग की इस राय से मनोज तिवारी भी सहमत हैं। उनका मानना है कि मुंबई को बुमराह तथा सूर्य कुमार को रिटेन करना चाहिए। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर।
वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।